आप में से बहुत से लोग इस वक्त में एप्पल के आईफोन या फिर आईपैड पर ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर ये है कि आपके डिवाइस को कोई भी इस वक्त में फ्रीज कर सकता है अगर वो आपको सेंड कर देता है कुछ इस तरीके का मैसेज जिसके अंदर कुछ सिंधी लैंग्वेज का यूज़ किया गया और इसी के साथ साथ इटालियन फ्लैग का यूज़ किया गया है, जो कि सेंड करते ही चाहे आप अपने आईफोन से सेंड करोगे तो भी आपका आईफोन फ्रीज हो जाएगा या फिर आईपैड फ्रीज हो जाएगा अगर उससे सेंड करते हो, या फिर आपको कोई सेंड कर देता है और आप रिसीव करते हो तब भी आपका पूरा का पूरा डिवाइस फ्रीज हो जाएगा, जिसके बाद में आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे और इसके बाद में आपको हार्ड रीबूट ही करना पड़ेगा, मतलब अपना आईफोन या फिर आईपैड रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैसेज आपको बेशक से फेसबुक पर आए, आई मैसेज पे आए या फिर व्हाट्सएप पे आए या फिर किसी भी इसी तरीके की एप्लीकेशन पर आए, आपका पूरा का पूरा डिवाइस फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके का बग चल रहा है फिलहाल के लिए, कोई ना कोई अपडेट शायद ऑन द वे होगी जो कि आपको मिले तो आप अपने डिवाइस को अपग्रेड कर लेना, वरना आपसे लोग इसी तरीके से मजे लेते रहेंगे और आपका डिवाइस फ्रीज करते रहेंगे। इसी तरीके का सेम इंसिडेंट 2018 में भी हो रहा था जब लोग तेलुगु लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, उनका डिवाइस पूरा का पूरा फ्रीज हो रहा था। बहुत से लोग इस वक्त में वीडियो कॉल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पर हम एक साथ तीन लोगों के साथ में बात कर सकते हैं, तो टोटल मिला के चार बंदे ग्रुप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब जाके व्हाट्सएप ने एक ऐसी अपडेट दी है जहां पर आप 8 लोगों के साथ में एक साथ बातें कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, चाहे वो वॉइस कॉल हो या फिर वीडियो कॉल हो। और इसी के साथ साथ यहीं पर एयरटेल का एक फालतू सा प्लान लॉन्च किया गया है जो कि 401 रुपए का प्रीपेड रिचार्ज है, जिसमें आपको 3 GB डाटा 28 दिनों के लिए मिलेगा और इसी के साथ साथ एक साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसको फ्री बताकर लोगों को कहा जा रहा है कि तुमको एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन याद रखना 28 दिनों के लिए आपको सिर्फ 3 GB डेटा मिलेगा। तो ये कोई मेरे ख्याल से अच्छा प्लान उन्हीं के लिए है जो कि वेब सीरीज वगैरह मूवी वगैरह देखने में इंटरेस्टेड होंगे, बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें ना तो आपको फ्री कॉलें मिलेंगी और ना ही 3 GB से ऊपर डेटा। तो एक तरीके से आप सिर्फ डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन ही ले रहे हो हॉटस्टार के ऊपर। इस वक्त में कोरोना वायरस को लेकर कई सारे टेस्ट पर रिसर्च की जा रही है कि कौन सा इफेक्टिव मेथड निकलेगा जो कि स्वैब टेस्ट का अल्टरनेटिव होगा, जिसके अंदर लोगों की नाक में मुंह में एक सलाइसी दी जाती है और उसके बाद में उसका सैंपल स्टोर करके फिर उस पर रिसर्च करते हैं, जिसमें कुछ टाइम लगता है और उसके बाद में रिजल्ट बता दिया जाता है कि तुम पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो यहाँ पर IIT रुड़की के प्रोफेसर ने एक एक्सरे स्कैनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया जो कि सिर्फ 3 से 5 सेकंड में ही ये बता देगा कि इस बंदे को कोरोना वायरस है या फिर नहीं है, क्योंकि देखो कोरोना वायरस लंग्स पे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाता है और कई बार तो जब तक पता भी नहीं चलता उनके लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। इसी वजह से ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और सारी दुनिया में इसी वजह से वेंटिलेटर की शॉर्टेज है, क्योंकि ये लंग्स पे ही इम्पैक्ट पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये एक्सरे स्कैन करने के बाद में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया गया, ये खुद ही स्कैन कर लेता है कि इसको कोरोना वायरस हो रखा है या फिर किसी और वजह से दिक्कत हो रही है। दोस्तों, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि कुछ महीनों में ही कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन आ जाए, जिसके बाद में सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, जैसे हम अपनी लाइफ पहले जिया करते थे वैसे ही जीने लग जाएं। लेकिन ऐसा कोई ना कोई कंट्री है जो चाह नहीं रही है कि उनसे पहले कोई ये कर दिखाए, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनीज हैं उन पर अटैक्स हो रहे हैं जो कि इस तरीके की दवाइयां बना रही है। ऐसे कोई फिजिकल अटैक नहीं बल्कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं ताकि उनकी रिसर्च को स्टील किया जा सके, जहां पर दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं जो कि काम कर रही हैं कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के ऊपर, इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर, जिनके सर्वर्स पे या फिर जिनके सिस्टम पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जहां पर CNN ने ऐसा क्लेम किया है बात करके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज से। और इसी के साथ साथ WHO के एक वर्कर का ईमेल भी हैक करने की कोशिश की गई है, जहां पर क्लेम किया गया है कि ये अटैक शायद चाइना करवा रहा है US द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक वहीं पर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी कोरोना वायरस का वहीं पर पड़ा है। ऑलमोस्ट 9.5 लाख के करीब में वहाँ पर इन्फेक्शन फैल चुका है लोगों को। तो यहाँ पर सबसे अगर तेज़ी से दवाई बनानी है तो एक ही कंट्री को है, जो है US को, जहाँ पर उनके ऊपर कई सारे साइबर अटैक्स हुए हैं, जहाँ पर सीधा सीधा नाम डाला गया है कि ऐसे अटैक्स चाइना करवा रहा है। और मे भी शायद उनकी साजिश ये हो कि भाई वायरस मेरा है,
दवाई भी मैं ही बनाऊंगा, तुम क्यों पहले बना रहे हो, क्योंकि मैं बनाऊंगा दवाई तो मेरे को पैसा मिलेगा। तो इस तरीके के अटैक्स किए जा रहे हैं। और वहीं पर चाइना ये भी चाहता है टिकटॉक ऑनर कंपनी ByteDance से कि उनकी जो कोलैबोरेशन हो रखी है फिजू नाम की ऐप से वो कट कर दी जाए। उन्होंने कह दिया है कि इससे अपनी यारी दोस्ती कम करो और इसको साइड रखो और अपना अपना काम करो। हालांकि टिकटॉक चाहता है कि वो सारी दुनिया में ग्रो होए और भी तेज़ी से, लेकिन इस तरीके की कोलैबोरेशन को चाइनीज़ पॉलिसी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा चाइना के अंदर फेसबुक, ट्विटर, गूगल बैन है, लेकिन ये जो फिजू नाम की ऐप है इसमें फेसबुक, ट्विटर और इसी के साथ साथ गूगल की न्यूज़ फीडबैक जाती रहती है, जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें चाइना वालों को मालूम चले, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है इस तरीके की कोलैबोरेशन नहीं चलेगी, इन्हें ख़त्म करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मेरी चाइनीज़ पॉलिसीज़ को फॉलो करो और उसी को मानो। अगर मैं ये कहता हूँ ये सीधा उल्टा है तो उसे उल्टा बोलो, अगर उल्टा सीधा है तो उसको पता नहीं क्या बोलो। फिलहाल के लिए अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो हम ये भी मान सकते हैं कि चाइना वाला चाहे तो टिकटॉक के अंदर अपना नमक मिर्च भी डाल सकता है, जिसको शायद हम सर्वेलेंस या फिर जो भी डाटा स्टीलिंग कह सकते हैं वो कही जा सकती है। बाकी आपकी मर्जी, जो कमेंट में आप कहना चाहो। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी ही कुछ अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।